गाइस इट्स क्रिस्लीन, वेलकम बैक टू सिद्धू व्लॉग्स। सो गाइस आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ रजा साहब के मुस्तफ़ी साहब के बयान पे, जो कि काफ़ी इमोशनल है। एंड मैं सेव करती रहती हूँ ऐसी वीडियोस जो मुझे लगता है कि यू नो इफेक्टिव हैं और चेंज ला सकती हैं। तो ये वीडियो मुझे मिली तो मैंने देखा कि ये वीडियो ऐसी है जिसके ऊपर मुझे रिएक्ट डेफिनेटली करना है, एंड तभी मैं इसके ऊपर रिएक्ट कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को पक्का टैप कर लो, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगी कब नया रिएक्शन आया है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि रोज़ मैं दो नए रिएक्शंस डालूँ। मैं शॉर्ट्स पे डालती हूँ एंड उस पर भी अब मैंने रिएक्शंस डालने स्टार्ट किए धीरे धीरे, बट अदर कंटेंट ऑल्सो आई एम एडिंग। अगर आप मेरे इंस्टा चैनल नहीं फॉलो कर रहे तो ये मेरा इंस्टा हैंडल है, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कीजिए। लेट्स क्विकली रिएक्ट ऑन दिस। चलो, और मुआशरे का कितना कमीना शख्स है वो जो किसी की बेटी को इसलिए तंग करता है कि वो जहेज नहीं लेके आई, या वो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक, उसकी तवक्को के मुताबिक जहेज नहीं लाई। शरीयत इस्लामिया ने तो निकाह को आसान करार दिया, और ये जो हम इतनी लंबी चौड़ी बारातें लेकर के चले जाते हैं बेटी वालों के घर में, तो इस्लाम में तो इसका ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। 500-600 लोग बेटी वालों के यहाँ चले जाते हैं और जिस तरह किसी महाज पे जा रहे हैं। निकाह फिल मसाजिद का रवाज अगर डाला जाए तो हमारी जिंदगियां सोखी हो जाती हैं। ये जो मुरव्वज सिलसिला है इससे गरीब लोग तो परेशान हैं ही, अमीर लोग भी सुख में नहीं हैं। आज 1-1 करोड़ रुपया शादी पे खर्च आ रहा है, और जिसकी 4 बेटियां हैं वो सारी जिंदगी इसी काम में ही लगा रहता है। और गरीबों की जिंदगी तो अजीदन है। गरीब की बेटियां सुगड़ हैं, समझदार हैं, संजीदा उमतीन हैं, पढ़ी लिखी हैं, खूबसूरत हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन उनके रिश्ते कबूल इसलिए नहीं किए जा रहे कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। और अब एक सिलसिला चला जहेज फंड का और इज्तिमाई शादियों का, तो शायद किसी के लिए इसमें तस्कीन हो, लेकिन मैं तो एक मरतबा ऐसी तकरीब में गया हूँ तो दुखी होके आया हूँ। हर शख्स का अपना मिजाज होता है, मुख्तलिफ तंजीमात, मुख्तलिफ लोग गरीब बच्चियों की इज्तिमाई शादियाँ कर रहे हैं, तो मैं एक तकरीब में मुझे खींच के कुछ लोग ले गए। मैंने कहा मुझे तजुर्बा तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए तकलीफ का सामान होगा, और दोस्त जिस मकसद के लिए मुझे ले कर जा रहे हैं तो उनका मकसद भी पूरा नहीं होगा। ऐसा ही हुआ, एक हॉल में 15 से 20 बच्चियां थी और दूसरी जानब 15 से 20 बच्चे थे, और उनके मेहमान, उनका हुजूम था, और स्टेज के ऊपर जो कुर्सियां लगी थी उन पर मुखय्यर हजरात बैठे हुए थे जिन्होंने सरमाया लगाया और जहेज फंड दिए, और तंजीम के लोग आके अपनी कारकर्दगी बयान कर रहे थे। तो आखिर में उन्होंने मुझे कहा कि हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, तो मैंने बैठे बैठे कहा कि मैं दुआ कर देता हूँ, लेकिन उनका असरार बढ़ा तो मैंने माइक पे आके कहा कि इंसान की ज़िंदगी में 3 मौके होते हैं जिस दिन वो मेहमान खुसूसी होता है और सब लोगों की नज़र उसी के चेहरे पे होती है। एक जब वो पैदा होता है तो काला कलोटा भी हो तो सारी बस्ती उसका मुंह देखने आती है, और उसे बहनें चांद कह के पुकारती हैं चाहे उसका रंग गहरा स्याह क्यों ना हो। दूसरा मौका इंसान पर उस वक्त आता है जब वो दूल्हा बनता है, तो सारे लोग उसी को देखते हैं और वो निगाहों का मरकज होता है और चीफ गेस्ट वही होता है। और तीसरा वक्त उसके ऊपर तब आता है जब वो चिट्टा लट्ठे का लिबास पहनता है तो सारा शहर उसका मुंह देखने आता है। तो मैंने कहा इन गरीब लोगों से
आज तुमने ये हक भी छीन लिया। आज मुखय्यर हजरात को ऊपर बिठाया और इनको नीचे बिठाया हुआ है, इसलिए कि ये गरीब हैं। और किसी के चेहरे के ऊपर मैंने कहा खुशी के आसार नहीं नजर आ रहे, उदासियां हैं, और इतने लोगों को इनकी गुर्बत का गवाह बना रहे हो। एकदम सुकून तारी हो गया हाल पर, चूंकि मुझसे वो कुछ ऐसी बातें सुनना चाह रहे थे जिससे उनको दाद मिलती। मैंने कहा तुम्हारे जज्बे अपनी जगह पे, लेकिन काश के रात के अंधेरे में इन बेटियों के माँ बाप को तुमने कुछ पेश किया होता और ये अपने घर से रुखसत होती तो अर्श वाला रब बड़ा राजी होता। लेकिन बुरा करे नमाइश का कि हमने उन बेटियों का तमाशा लगा दिया। मैं एक शहर में गया तो वहाँ आजकल वो पहले था ना उम्रे के टिकट महफिल नात में, तो आहिस्ता आहिस्ता मजमा सिमट गया, तो अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि जहेज की पर्चियाँ निकाली जाएंगी। तो इसी साल आपके कुरब में एक जगह 10 के 15 जहेज फंड थे, तो मुझे ख़िताब करने के लिए उन्होंने कहा, तो बड़े शौक़ से मुंतज़िम महफ़िल ने बताया कि 15 बच्चियों का जहेज भी निकाला जाएगा और इस पर्दे के पीछे हज़ारों बच्चियाँ बैठी हुई हैं। तो मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि ये जुल्म ना करो, ये ज़्यादती ना करो, तुम्हारे पास 100 लोगों का खाना है तो 500 लोगों को ना बुलाओ, कि तुम कुरा अंदाजी करके 100 आदमियों को खाना दे दो और 400 आदमियों को कहो कि तुम्हारा नाम नहीं निकला। तुम्हारे पास 100 का खाना है तो 100 को ही पर्दे से बुलाओ और उनको खाना खिला दो। मैंने कहा 10,000 बेटियां इस पर्दे के पीछे बैठी हैं आपके बकौल, और आप उनमें से चंद को कुरा अंदाजी के जरिए जहेज फंड दे रहे हैं। हर पर्ची पे 10,000 बेटी का दिल धड़केगा कि शायद मेरे मुकद्दर जाग पड़े और गमों की सियारात खत्म हो गई। लेकिन जब आखिरी पर्ची के बाद ऐलान किया जाएगा कि कुरा अंदाजी मुकम्मल हो गई, तो कितनी बेटियां घरों में जब वापस जा रही होंगी तो तुम नहीं जानते उनके कदम कितने बोझल होंगे। और रसूलुल्लाह का मीलाद हो और बेटियां आंसू बहाती हुई जाएं, तो मैंने कहा तुम खुशियां खरीदने लगे थे, गम खरीद लिए तुमने, खुशियां बांटने लगे थे, गम बांट लिए तुमने। तो ये ज्यादती ना करो, ये जो रवाज पड़ रहा है ये अपनी नमाइश के लिए। खुदा रा आगे तुमने उम्रे के टिकट बांटे, बहुत कुछ किया लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और क्या क्या रंग अपनाए गए। मैंने कहा वो अच्छा था, चलो मुझे उस पर भी बात है, लेकिन चलो मैं नहीं करता, लेकिन ये जुल्म ना किया जाए कि महाफिलनात में मजमा इकट्ठा करने के लिए जो है वो गरीबों की बच्चियां बुला करके तो 10 को आप दे के बाकियों कहें कि माजरत हमारे पास इतना ही था, तो आपके पास 100 का खाना है, 100 का पानी है, तो 500 प्यासों को ना बुलाएं, 500 भूखों को ना बुलाएं, 100 को ही बुला करके पर्दे से जो है वो उनकी मदद करें, पर्दे से 100 को बुला के उन्हीं की मदद करें। बहुत अच्छा बयान मुझे लगा, एंड थोड़ा इमोशनल है, ये शादी का टॉपिक है। डाउरी इज अ बिग सब्जेक्ट इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। मुझे नहीं पता कि वेस्टर्न वर्ल्ड में कितना प्रेवलेंट है, वहाँ भी होगा प्रेवलेंट, लेकिन देसी लोगों में बहुत ज़्यादा डाउरी का प्रचलन है, एंड ये ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा हमें, तो उसी के बारे में ये बयान है। और ऐसे बयान ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में, तभी लोगों को अवेयरनेस आएगी, तभी ये इवेंचुअली शन आउट होगा सोसाइटी में से। बहुत ही मुझे अच्छा लगा इनका बयान, मैं और भी इनके डेफिनेटली वीडियोस पे रिएक्ट करूँगी। अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में पक्का बताना। ब्यूटिफुल वीडियो, वेरी इमोशनल बट वेरी ब्यूटिफुल बयान। सो गाइज, दिस इज सिद्धू ब्लॉग साइनिंग ऑफ। आई लव यू गाइज।